अल्लाह माई इज सईद जनीम फ़ातिमा आई एम लेक्चर कंप्यूटर साइंस दिस इज़ लेक्चर नंबर ट्वेंटी चैप्टर नंबर वन फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाई आई टी सीरीज़ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले स्क्रीन्नस को कि बेसिकली डिस्प्ले स्क्रीन्स होती क्या हैं और उनके कुछ जो मेन मेन फीचर्स होते हैं वो क्या हैं अब ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतहाई इम्पॉटेंट क्वेश्चन है ये 2022 के बोर्ड के एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर क्लास के जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आया हुआ था कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या हैं और उनके जो फ़ीचर्स हैं एक दूसरे से जो उनको अलग करते हैं वो कौन कौन से फ़ीचर होते हैं सो so, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले स्क्रीन के बेसिक डेफिनेशन और उसके बाद उसके वो फीचर्स जो मुख्तफ डिस्प्ले स्क्रीन्स में मुख्तिफ होते हैं अब ये दो तरह के क्वेश्चन हैं एक तो ये है कि व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन और उनके फ़ीचर्स बताएं जो एक दूसरे से उनको अलग करते हैं डिस्टिंगविश करते हैं और दूसरा सवाल ये है कि डिस्प्ले स्क्रीन्नस की कितनी टाइप्स होती हैं सो so, वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्ले स्क्रीन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो नॉन एज मोनीटर और सिंपली स्क्रीन आपके जो कंप्यूटर का मोनीटर होता है या आपकी जो स्क्रीन होती है उसको बेसिकली हम डिस्प्ले स्क्रीन ही कहते हैं इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है अब आप कहेंगे आउटपुट डिवाइस कैसे है हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक होती है हार्ड कॉपी आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट वो होती है जो हार्ड फॉर्म में हो जिसको हम देख भी सकें और उसको टच भी कर सकें मिसाल के तौर पर अगर आप कोई प्रिंट निकालते हैं लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन जो है ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है कि आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स कोई चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उन सब के फाइनल रिजल्ट्स आपको मोनीटर पे ही दिखते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे ही दिखते हैं दैट्स वाई डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो कार्ड आउटपुट डिवाइस इट इज़ यूज टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यही बात जो अभी हमने डिस्कस की कि डिस्प्ले स्क्रीन किस तरह की आउटपुट देती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट यानी हम आउटपुट देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते देर आर different डिफरेंट टाइप्स ऑफ screens स्क्रीन्नस और मुख्तलिफ तरह की हमारी मार्केट में जो है डिस्प्ले स्क्रीन्स होती हैं और उनमें कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से उन्हें अलहदा करती हैं और वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं जिनमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है साइज कि आपका जो मोनीटर है या आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसका साइज़ क्या है सो मोनीटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस मुख्तलिफ साइजेस में होते हैं साइज़ ऑफ मोनीटर फॉर पर्सनल कंप्यूटर इज़ फ्रॉम 14 टू 21 इंचेस अब ये चीज़ एम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतहाई अहम है आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी ने पर्सनल कंप्यूटर लेना हो तो उसके मोनीट उसका जो है मोनीटर साइज़ कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए चौदह से इक्कीस इंचज़ के दरम्यान होता है द साइज़ ऑफ मोनीटर इज़ मैर डायग्नली डाइगनली यानी तेछा हम कहते हैं कि उसको हम मैयर करते हैं जो भी आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है उसके साइज को आपके मोनीटर को आपकी स्क्रीन को हम डायगनली ही मैयर करते हैं सो so, ये पहला फीचर जो मुख्तलिफ आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में मुख्तलिफ होता है वो होता है साइज किसी का चौदह से इक्कीस इंचज में होता है किसी का इससे कम होता है किसी का इससे ज्यादा होता है दूसरी चीज जो मुख्तफ डिस्प्ले स्क्रीन्नस को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है वो है कलर द डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी आई दर और कलर अब ये जो लफज़ है मोनोक्रोम मोनोक्रोम मोनो का मतलब है सेम ठीक है तो मोनोक्रोम का मतलब है कि ऐसी स्क्रीनस जिन में कोई एक ख़ास कलर चलता हो जैसे हम इसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं कह सकते क्यों क्योंकि उसमें भी दो कलर्स चलते हैं आपने देखा होगा अक्सर कोई स्नैपचैट के या वैसे आपके मोबाइल में एडिटर में जाएं तो वहाँ पे ऐसे कुछ फिल्टर्स होते हैं कि आपकी इमेज पूरी ग्रीन कर देते हैं यानी टोटली कलर्स उसमें सिर्फ ग्रीन वाले होते हैं या फिर टोटल पर्पल होते हैं या ब्लू फिल्टर होता है कि पूरी की पूरी स्क्रीन जो है या उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है सारी चीज़ें एक कलर की होती हैं सो डिस्प्ले स्क्रीन्नस वो कह रहे हैं कि मोनोक्रोम भी होती हैं कोई एक कलर भी हो सकता है या फिर डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं द कलर डिस्प्ले स्क्रीन्स डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स जो कलर डिस्प्ले स्क्रीन्नस होती हैं वो मुख्तु कलर्स में आपकी आउटपुट दिखाती हैं आर जी बी डिस्प्ले स्क्रीनस कैन क्रिएट टू फिफ्टी सिक्स कलर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ़ दीज कलर्स अब आर जी बी जो है आर जी बी का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू बेसिकली आपका जो भी एल सी डी है जो भी एल ई डी है जो भी आपका डिस्प्ले स्क्रीन है जो भी चीज़ है उस सिर्फ तीन बेसिक कलर्स होते हैं आर जी बी यानी रेड ग्रीन ब्लू अब यही कलर्स हैं जो आपस में मिलके बाकी सारे मुख्त कलर बनाते हैं जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये तीन रंग आपस में मुख्तु वेरिएशन और शेडिज बना बना के दो रंग बना सकते हैं जो कि आपको डिस्प्ले स्क्रीन में दिखेंगे और आगे ये मैंशन भी किया हुआ है कि रेड आर जो है स्टैंड फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू द मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन्ज डिस्प्ले आउटपुट इन सिंगल कलर वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की कि मोनो मीन्स वन या मोनो मीन्स सेम ठीक है तो एक ही तरह की चीज़ होगी किसी एक सिंगल कलर में चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही होंगी मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन शो इमेजेस इन अ सिंगल कलर यूजली वाइट ग्रीन ब्लू रेड और एम्बर यानी यही कुछ बेसिक बेसिक कलर हैं जिनमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी हाव मोनोक्रोम मोनीटर्स कैन डिस्प्ले डिफरेंट शेड्स ऑफ वन कलर हाँ उसमें कहीं डार्क हो सकता है कहीं लाइट कलर हो सकता है लेकिन उसका जो कलर है वो एक ही होगा शेडीज उसके डिफरेंट हो सकते हैं ओके okay, सो so तीसरी चीज़ जो है मुख्तु डिस्प्ले स्क्रीन्स में जो मुख्तफ होती है वो है रेजोल्यूशन ये इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आल करेक्टर्स एंड इमेज़ ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन्नस आर मेड ऑफ पिग्जल्स और डॉट्स ये जितनी भी इमेज़ या करैक्टर्स हमें स्क्रीन पर दिखते हैं वो या तो पिग्जल्स या हम डॉट्स कहते हैं कि उनसे मिल बनी होती हैं हमने देखा होगा कई स्क्रीन में क्वालिटी बड़ी शार्प होती है कई स्क्रीनस पे ऐसे जैसे फैली फैली सी चीज़ें दिख रही होती हैं तो जिनके ज़्यादा पिक्सल्स होती हैं ज़्यादा डॉट्स होते हैं उतना ही बेटर रिज़ल्ट होता है जितने पिगजल्स पिक्सल्स या फिर डॉट्स कम होंगे उतना ही कम अच्छा रिज़ल्ट होगा रेजोल्यूशन ऑफ आ मोनीटर इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन रेजोल्यूशन का आप यही कहते हैं कि जी डॉट ऑन स्क्रीन या आप कह सकते हैं कि स्क्रीन पर कितने डॉट्स हैं या उन्हीं डॉट्स को पिक्सल्स कहा जाता है कि वो कितने हैं इट इज़ द इमेज शार्पनेस ऑफ आट डिस्प्ले स्क्रीन यही तो इमेज शार्पनेस होती है किसी भी चीज़ की जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं इमेजेस देख रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे उनकी हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स मेन शार्पर इमेज यही बात मैंने पहले कहा के अगर ज़्यादा पिक्सल्स होंगे ज़्यादा डॉट्स होंगे स्क्रीन पे तो उतनी ही अच्छी और शार्पर इमेज आएगी उतनी ही क्लियर ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे उतनी ही अच्छी मूवी आपको दिखेगी या इमेज आपको दिखेगी जितने कम डॉट्स होंगे या जितने कम पिक्सल्स होंगे आपके स्क्रीन पे उतनी ही फैली फैली और ब्लरी सी इमेजेस आपको दिखेंगी चौथी चीज़ एक चीज है साइज़ दूसरी है कलर तीसरी है रेजोल्यूशन एंड द लास्ट वन इज़ वीडियो डिस्प्ले अडेप्ट आप इसको वीडियो ग्राफिक कार्ड्स भी कह सकते हैं यानी आपने ग्राफिक्स देखनी है चीज़ें देखनी है अपने आपकी जो स्क्रीन है उसमें चीज़ें देखनी है तो आप ग्राफिक कार्ड उसमें लाजमी लगाएंगे जो कि बिल्ड इन होता है पीछे से ही बनाया आता है ऑलरेडी उसमें फिक्स हुआ हुआ होता है डिस्प्ले स्क्रीन मस्ट हैव अ वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर अटैच विद द कंप्यूटर टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ऐसी स्क्रीन जो ग्राफिक्स डिस्प्ले करेगी उसके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड पहले से फिक्स हुआ हुआ होगा अटैच हुआ हुआ होगा इट इज़ आल्सो कार्ड ग्राफिक कार्ड इसको वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है इट इज़ अ सर्किट बोर्ड दैट दिटर्मज द फॉलोइंग थिंग अब ये वीडियो ग्राफिक कार्ड होता क्या है ये मुख्तफ़ चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है यानी रेजोल्यूशन कितनी है आपकी स्क्रीन की नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं यानी मोनोक्रोम है या फिर कलर्ड डिस्प्ले uh, आपकी है स्पीड विद विच इमेजेस अपीयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन और किस स्पीड के साथ आपकी वीडियो जो है या इमेजेस जो हैं वो स्क्रीन पे अपीयर होंगी सो डिस्प्ले स्क्रीन्स क्या होती हैं हमारे मोनीटर्स को ही हम डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं और चार चीज़ें होती हैं जो मेन फीचर्स हैं जो मुख्तिफ़ डिस्प्ले स्क्रीनस में मुख्तु होती हैं एक तो उनका साइज़ डिफरेंट हो सकता है दूसरा कलर डिफरेंट हो सकता है उनकी रेजोल्यूशन यानी उनकी शार्पनेस उनकी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है और तीसरा उनका वीडियो डिस्प्ले अडेप्ट यानी वीडियो ग्राफिक कार्ड डिफरेंट हो सकता है जो मुख्तफ आप कह सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन्नस को एक दूसरे से अलहदा करता है आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह आपके सवालों के लाजमी जवाब दूंगी थैंक यू सो मच